ठीक है, तो अब हम गद्यांश समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा और आपको लिख के आएगा कि निम्न गद्यांश के का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। ये भी जैसे मैंने इससे पहले बताया था पद्यांश में, उसी तरीके से, बस ये तो आपको और आसान रहेगा, क्योंकि इसकी व्याख्या आपको यहाँ से करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इसी को अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है ना। और ऐसा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने हिसाब से नहीं लिखना रहा, तो जैसा ये लिखा है बस थोड़ा सा पहली लाइन को चेंज करना, बस थोड़ा सा। जैसे इसमें लिखा है ना, मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं अपना देश हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा, देखो लेखक कहता है कि मैं अपने देश का नागरिक होने के कारण मानता हूँ कि अपना देश मैं ही हूँ। तो ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देना पहली लाइन में, बाकी आप जैसे का तैसा भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये यहाँ पे आसानी है व्याख्या लिखने में इसकी। संदर्भ और प्रसंग तो आपको देखिए पता होना चाहिए कि ये किस पाठ का है। जैसे संदर्भ में क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश मैं और मेरा देश नामक निबंध से लिया गया है, ठीक है ना। तो इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो ये आपको 1 नंबर का, यहाँ भी वही है, एक एक नंबर का ये रहा, 1 नंबर का प्रसंग। अब इसमें ये आपको बताना, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्रत्येक नागरिक को देश के प्रति उसके कर्तव्य पालन हेतु प्रेरित किया, कि देश के प्रति उस नागरिक का क्या कर्तव्य है, जिस प्रकार वो अपना फायदा चाहता है उसी प्रकार देश का भी फायदा हो, ये भी उसे सोचना चाहिए, ठीक है ना। देश हित में भी काम करे, अपने हित में भी करे, देश के भी, क्योंकि देश और व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जैसा कि ये लिखा हुआ है पूरा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ये फिर 2 नंबर में आप इसकी व्याख्या कर देंगे। तो यहाँ से ये नंबर लाना कुछ भी आपके लिए ज़्यादा ऐसा नहीं है, बस आपको यहाँ आपको पता होना चाहिए ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लो आप भूल गए तो आप इसका प्रसंग और व्याख्या लिख के आ जाइए, तो यहाँ पे आपके 3 नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से, और हिंदी में देखिए आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लिखें, क्योंकि 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे अगर आप पूरा पेपर करना चाहोगे, आपको आता है तो 3 घंटे का समय भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हिंदी में लिखना बहुत पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आप किताब पढ़ोगे तो जैसे ही आप, तो आपको ये इतना पैराग्राफ मिलेगा तो आप तुरंत देख के ही समझ जाओ कि इस पाठ का है, ठीक है ना। जैसे कि इसको चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं अभी। तो जैसे लिखा है, मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं अपना देश हूँ, जैसा मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूँ, ठीक है, यह मेरा कर्तव्य है। और जैसा जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊँ, यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज़ तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आप पढ़ते ही समझ जाओगे, जैसे इतना पढ़ोगे कि ये इस पाठ से लिया गया है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको पाठ पढ़ना है, पाठ पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आलस नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो इतना पर्याप्त है इसे समझने के लिए, ठीक है।